दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ शब्बीर कुमार साहब के गीतों के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को शब्बीर कुमार साहब के दो ऐसे बेहतरीन कव्वाली सुनाने वाला हूँ, आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे। ये बहुत ही रेयर कव्वाली है दोस्तों, बहुत ही कम लोगों ने सुने होंगे इन कव्वालियों को। आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों, शब्बीर कुमार साहब ने बहुत सारे गाने गाए हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, बहुत ही कम लोग उन रेयर गानों के बारे में जानते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो कव्वालियाँ सुनाने वाला हूँ, इन कव्वालियों के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम एक बहुत ही खूबसूरत कव्वाली शब्बीर कुमार साहब की आवाज़ में सुनेंगे, उसके बाद दूसरे कव्वाली के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, एक नज़र शब्बीर कुमार साहब के इस बहुत ही खूबसूरत कव्वाली की तरह। मैं दीवाना पगला हूँ, तेरा तल न पढ़ना चाहता हूँ। मैं दीवाना पगला हूँ, तेरा तल न पढ़ना चाहता हूँ। दिन रात इबादत करूँगा मैं, सजदे में सर को रखूँगा। दोस्तों, हम लोगों ने ये शानदार खूबसूरत दर्द भरा कव्वाली शब्बीर कुमार साहब की आवाज़ में सुना, जो कि शब्बीर कुमार साहब ने अपने बहुत ही खूबसूरत दर्द भरे आवाज़ में इस कव्वाली को गाया था। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दूसरा कव्वाली सुनाने वाला हूँ। ये भी बहुत ही खूबसूरत कव्वाली गीत है और शब्बीर कुमार साहब ने अपने बहुत ही दिलकश आवाज़ में इस कव्वाली को गाया था। तो आइए दोस्तों, एक नज़र इस बहुत ही शानदार कव्वाली की तरह। बरसों बरस से फैज पा रहे हैं कितने लोग, जाने अनजाने कहां कहां से लोग आते हैं, पा जाते सब दीवाने। दोस्तों, हम लोगों ने यह दूसरा शानदार खूबसूरत कव्वाली भी शब्बीर कुमार साहब की आवाज़ में सुना, जो कि शब्बीर कुमार साहब ने अपने दिलकश आवाज़ में गाया था। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कव्वालियाँ, बहुत सारे गज़लें, बहुत सारे भजन, बहुत सारे गाने शब्बीर कुमार साहब के भी अनरिलीज़ हैं, लोगों को उनके बारे में पता नहीं है, लोग जानते नहीं कि शब्बीर कुमार साहब ने कितने गाने गाए हैं। बहुत सारे गाने शब्बीर कुमार साहब के भी दबे हुए हैं। और दोस्तों, आज का इस वीडियो के अंदर ये दोनों कव्वाली आप लोगों को कैसा लगे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉचिंग करने के लिए।